हेलो एवरीवन वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड टू डाउर टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ रिक्यूपमेंट एक्सटर्नल इक्वमेंट आज हम देखेंगे बैरूनी जराए कौन कौन से जिनसे रिक्यूपमेंट की जाती है लास्ट लेक्चर में हमने इंटरनल इक्वमेंट देखी थी और आज हम देखेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्यूपमेंट तो ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव टू यूज एक्सटर्नल सोर्सेज फॉर इक्विपमेंट टू हायर पोजिशन वैन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज आर नॉट सुबल Uh, तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल सोर्सेज का इस्तेमाल करती हैं बैरूनी ज़राए का इस्तेमाल करती हैं रिक्यूपमेंट के लिए भर्ती के लिए टू हायर पोजीशन बड़ी पोजीशन के लिए बड़ी रैंक के लिए व्हेन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ आर नॉट सूटेबल जब मौजूदा इम्प्लॉज होते हैं वो इस काबिल नहीं होते कि कोई हायर पोजिशन हमारे पास खाली हुई हो और मौजूदा इम्प्लॉई की प्रमोशन या ट्रांसफ़र कर दे जब वो हमारे पास मौजूद नहीं होते तो हम बैरूनी जराए के थ्रू बैरूनी जरिए जो होते हैं उनके थ्रू हम रिक्रूटमेंट करते हैं ठीक है मोर पर्सन आर नीडिड वैन एक्सपेंशन आर अंडरटेकन और जब भी किसी कंपनी की एक्सपेंशन हो रही होती है ये कंपनी फैलाव कर रही होती है अपनी नई ब्रांचेज ओपन कर रही होती है नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही होती है तब उनको ज़्यादा लोगों की जरूरत होती है तब भी एक्सटर्नल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट की जाती है एक्सटर्नल सोर्सेज इंक्लूड एडवर्टीजमेंट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी स्कूल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ जॉब फेयर वॉकिंग्स एंड ऑनलाइन सोर्सेज अब एक्सटर्नल जराए हमारे पास कौन कौन से हैं जराए कौन कौन से जिनसे हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं एक हमारे पास एडवर्टीज़मेंट है एडवर्टीज़मेंट क्या होती आगे है आगे जाके देखेंगे एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फेयर जॉब का मेला होता है वाकिन खुदा के इंटरव्यू देते हैं और ऑनलाइन सोसेज होती हैं सबसे पहले हम देखते है है? हैं एडवर्टीज़मेंट एडवर्टीज़मेंट कहते हैं इश्तहारा को ठीक है मशहूरी करना इश्तहारा देना अखबारों में मैगजीन्स में कि जॉब्स हैं है आ अप्लाई करें इसके ऊपर इट इज़ अ मैथड ऑफ़ रिक्रूटमेंट फ्रिक्वेंटली यूज फॉर स्किल्ड वर्कर क्लैरिकल डेस्क और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब एंड हायर स्टाफ ये जो रिक्रूटमेंट का तरीकाकार है एडवर्टीजमेंट ये फ्रीकुन यूज़ होता है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है स्किल्ड वर्कर के लिए जो काबिल मजदूर होते हैं उनके लिए क्लैरिकल एंड हायर स्टाफ एडमिनिस्ट्रेटिव या डेस्क जॉब करने के लिए या उनसे जो ऊँची पोस्ट होती हैं रीजनल मैनेजर एरिया मैनेजर ठीक है सी एफ ओ फिनांस ऑफिसर वगैरह चाहिए होते हैं उनके स्टाफ के लिए ये तरीका कार इस्तेमाल किया जाता है एडवर्टीज़मेंट कैन बी गिवन इन न्यूज़ पेपर एंड प्रोफेशनल जर्नल्स एडवर्टीज़मेंट जो है वो इश्तहार जो हैं वो दिए जा सकते हैं एक अखबार में न्यूज़ पेपर पर पे, या जो प्रोफेशनल जर्नल होते हैं पेशा वराना जो रिसाले होते हैं जो एयर जो आप सोच सकते हैं कि जब कोई एयरप्लेन पर सफ़र कर रहा होता है वहाँ पर मैगजीनस वगैरह होती हैं या प्रोफेशनल जो भी जर्नल होते हैं उनके अंदर एड्स दी जाती हैं एडवर्टीज़मेंट दी जाती है, दी जाते है कि ये फलाँ इंडस्ट्री में या फ़लाँ ऑर्गनाइजेशन में जॉब एम टी है और आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं Uh, अक्सर पाकिस्तान में संडे की अखबार में बहुत ज़्यादा इश्तेहार आते हैं जॉब्स के लिए लोग वहाँ पर अप्लाई भी करते हैं मस्ट डिसाइड टाइप एंड लोकेशन ऑफ एड डिपेंडिंग ऑन जॉब डिसाइड वेदर टू फोकस ऑन जॉब डिस्क्रिप्शन और ऑन एप्लीकेंट जॉब स्पेसिफिकेशन डिसाइड करें किस तरह की ऐड होनी चाहिए ठीक है लोकेशन uh, ऐड की क्या होनी चाहिए किस किस जगह पे ऐड जानी चाहिए यह ना हो कि ऐड शहर शहर के फ़लान लोगों के लिए है या फलां किस्म के टाइप के लोगों के लिए है जैसे इंजीनियर के लिए है और लेकिन वो ऐड जो है वो बिजनेस वालों के लिए या किसी और के लिए जा रही हो ठीक है तो लोकेशन चेक कर लें कि कहाँ पर आपने वो ऐड देनी है वो न्यूज़पेपर कहाँ कहाँ जाता होगा एड का टाइप डिसाइड कर लें किस किस्म की ऐड होगी और ये डिसाइड कर लें कि फोकस किस पे करना है जब ऐड देते वक्त जॉब डिस्क्रिप्शन पे करना है जॉब की तफसल ज़्यादा बयान करनी है या एप्लीकेंट के ऊपर जॉब स्पेसिफिकेशन के क्या क्या एप्लीकेंट में खूबियाँ होनी चाहिए ये ज़्यादा आपने लिखना है अगर दोनों ज्यादा लिख रहे हैं तो जॉब की तफसील भी पूरी लिखी जाएगी जॉब डिस्क्रिप्शन भी और जॉब स्पेसिफिकेशन भी अगर किसी एक चीज़ पर फोकस करें तो फिर उसके बारे में ज़्यादा मानोबा लिखनी चाहिए दूसरी चीज के बारे में नहीं लिखनी चाहिए तो एडवर्टीजमेंट देखते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है नेक्स्ट हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट एजेंसी मुख्तलिफ एजेंसीज होती हैं जिनके थ्रू एम्प्लॉज हायर किए जाते हैं मोस्टली जैसे कि हमारे यहाँ बैंक्स वगैरह के पास सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं ये डिफरेंट एजेंसीज से आते हैं वो उनकी गारंटी वगैरह देते हैं कि ये हमारे लोग हैं आप इन पर कर सकते हैं तो वो किसी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज के थ्रू आ रहे होते हैं एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज असिस्ट इन मैचिंग एम्प्लॉज सीकिंग वर्क विद एम्प्लॉय सीकिंग वर्कर एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज जो होती हैं तनजीमें होती हैं ठीक है रोजगार की इंडस्ट्रीज होती हैं ये ये सिस्ट करती हैं उन लोगों को जिनको जॉब चाहिए ठीक है मैचिंग एम्प्लॉई सीकिंग वर्क वो एम्प्लॉई जो के काम चाहता है और कोई एम्प्लॉयर मालिक जो के वर्कर चाहता है इन दोनों के बीच में मैच करवा देती है यानी कि नौकरी ढूंढने वाले को नौकरी दे, दे देती है और एम्प्लॉई ढूंढने वाले को एम्प्लॉई दे, दे देती है प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज प्रोवाइड एप्लीकेंट ऑफ हायर कैलिवर अब जो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज होती हैं ये जो एप्लीकेंट उम्मीदवार भेजते हैं कैंडिडेट भेजते हैं ये अच्छे कैलिवर के होते हैं क्योंकि उस कंपनी को अपनी भी इज्जत और रिस्पेक्ट देखनी पड़ती है कि हम जो एम्प्लॉय भेजें वो अच्छे भेजें ताकि फिर आगे भी वो हमसे कॉन्टेक्ट करें मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म हेड हंटर रिसर्च कैंडिडेट फॉर मिड एंड अपर लेवल ऑफ एक्जेक्टिव प्लेसमेंट एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है हेड हंटर ठीक है ये अमेरिका की एक फर्म है आई थिंक सो ये रिसर्च करती है कैंडिडेट जो मिड और अपर लेवल के एग्जेक्टिव होते हैं उनके लिए ठीक है जो ऑर्गेनाइजेशन में मिड लेवल ऑफ मैनेजर्स या उनके अंडर काम करने वाले या एग्जेक्टिव लेवल एक्जेक्टिव कहते हैं डिसीजन मेकिंग करने वाले इंप्लॉयज़ उनके बारे में जो भी उन, उनके उन, उन employees जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये इम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं मिड या अपर लेवल के ये उनका बंदोबस्त करके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन

एक्सटर्नल uh, सोर्सेज से रिक्यूमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास है स्कूल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज डिफरेंट कंपनी स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सर्वे करती है वहाँ पे स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए जॉब्स के लिए प्रॉमिस करती है अपने कंपनी को प्रमोट करती है और एकमेंट uh, करती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एट ऑल लेवल ऑफर अपॉर्चुनिटीज फॉर रिक्रूटिंग फॉर रिक्यूटिंग रीसेंट ग्रेजुएट में आठ हेल्प कंपनी स्टैब्लिश कोपरेटिव एजुकेशन असाइनमेंट इंटर्नशिप विच में लीड टू परमानेंट जॉब बेटर खासतौर पर पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं या कॉलेजेज वगैरह हैं स्कूल में नहीं आते कॉलेज और यूनिवर्सिटी में डिफरेंट कंपनीज आती हैं ठीक है और वो ऑफर करती है अपॉर्चुनिटीज फॉर रिक्यूटिंग रिसेंट ग्रेजुएट जो अभी ग्रेजुएट होने वाले लोग होते हैं खासतौर पर सातवें आठवें सेमेस्टर में इनको ऑफर करती है अपॉर्चुनिटी ठीक है कंपनी ख़ुद को इस्टेबलिश करती है और एजुकेशन और उनको देती है उनसे इंटर्नशिप करने को कहती है कि आप हमारे पास आके इंटर्नशिप करें काम सीखें आपका कोर्स का जो इंटर्नशिप का हिस्सा है वो भी कम्प्लीट हो जाएगा और हम आपको परमानेंट जॉब की तरफ भी लेके जा सकते हैं अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो इस तरह से डिफरेंट कंपनीज जो हैं और मैं तीन चार यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा चुका हूँ जहाँ पे मुख्त तरह की कंपनीज़ आती हैं खासतौर पे ऑनलाइन कंपनीज बहुत आती हैं आजकल ठीक है सॉफ्टवेयर हाउसेस वगैरह वाले बहुत आते हैं ठीक है वो अपनी प्रमोशन भी कर रहे होते हैं और लोगों को कहते हैं कि स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप अप्लाई करें हम आपको इंटर्नशिप देंगे अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो आपको परमानेंट जॉब भी देंगे ठीक है इस तरह से स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी एक एक्सटर्नल सोर्स है हमारे पास रिक्यूपमेंट का नेक्स्ट है वॉकन्स आपने अक्सर सुना होगा वॉक इंटरव्यू हो रहे हैं कि किसी भी टाइम अखबारों में इश्तेहार आ जाते हैं कि वाकं इंटरव्यू है आप अपनी सीवी लेके आ जाएं एप्लीकेशन वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं है सीवी बी लेके आएँ उसी वक्त आपका इंटरव्यू होगा आपको हो आप चेक किया जाएगा और बात कोई जॉब ओपनिंग होती ही नहीं है हम ऑर्गेनाइजेशन में वैसे ही चक्कर लगा लेते हैं अपनी सी बी देने के लिए कि अगर कोई जॉब आए तो हमें रख लीजिएगा तो वो भी वाकिनजी होते हैं ठीक है स्टॉक पाइल ऑफ प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट इफ दे आर नो करंट ओपनिंग फॉर द जॉब अब आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि स्टॉक पाइल कर दिया जाता है प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट को ज़खीरा जमा कर लिया जाता है जो काबिल एप्लीकेंट होते हैं उनका ठीक है यानी कि सी जमा कर ली जाती हैं अभी फिलहाल जॉब नहीं है जब ओपनिंग होगी तो हम आपको जॉब बता देंगे इस तरह से किया जाता है कि लोग आते हैं सी वगैरह जमा करवाते हैं और कहते हैं कि जब भी हमारी जरूरत हो तो हमें लाजमी कॉल कीजिएगा तो इस तरह से जख़ीरा जमा कर दिया जाता है काबिल एप्लीकेंट्स का उम्मीदवारों का लेकिन अभी जॉब नहीं होती जैसे जॉब ओपनिंग होगी उनसे राबा किया जाता है तो ये भी एक तरीका का है एक्सटर्नल सोर्स की से रिक्यूटमेंट का नेक्स्ट हमारे पास है जॉब फेयर नौकरियों का मेला अक्सर जॉब फेयर लगाए जाते हैं जहाँ पे कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट वगैरह को प्रमोट कर रही होती हैं और वहीं पे लोगों से सीवीज वगैरह भी कलेक्ट कर रही होती हैं कि हम आपको कभी भी वक्त होगा या हमें जरूरत होगी तो हम इंटर्नशिप के लिए या जॉब के लिए आपको बुला लेंगे जॉब फेयर, फेयर नौकरियों का मेला कंपनी सीकिंग रिज्यूम्स एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट कंडक्ट जॉब फेयर वर्चुअल ऑनलाइन जॉब फेयर गुड ब्रिंग जॉब सीकर ऑनलाइन माई लॉगिंग इन टू स्पेसिफिक वेबसाइट कंपनी सीकिंग रिज्यूम कंपनी जो कि लोगों की रिज्यूमें चाहती है इंफॉर्मेशन जाती है क्वालिफाइड कैंडिडेट की कंडक्ट करती है जॉब फेयर ठीक है जॉब के मेले लगाती है डिफरेंट कंपनीज अपना स्टॉल लगाती हैं प्रोडक्ट की प्रमोशन भी कर रही होती हैं लोगों से उनकी सीवीज वगैरह भी ले रहे होते हैं ठीक है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन उनके स्किल्स एक्सपीरियंस के बारे में लिखा होता है आजकल वर्चुअल ऑनलाइन जॉब फेयर बहुत की कंडक्ट किए जाते हैं जिसमें डिफरेंट वेबसाइट के थ्रू बहुत से लोग आते हैं और अपनी सीवी वगैरह जमा करवा देते हैं ठीक है तो जॉब फेयर भी एक तरीका है हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स का रिक्यूपमेंट का आजकल जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो ऑनलाइन सोर्सेज़ हैं रिक्यूमेंट की ठीक है इंटरनेट के थ्रू आप अप्लाई करते हैं रिक्यूमेंट की जाती है मोस्ट कंपनीज़ नाउ यूज़ द इंटरनेट टू रिक्रूट इंप्लॉयज़ बहुत सी कंपनी जो है आजकल इंटरनेट इस्तेमाल करती है एम्प्लॉयज़ के रिक्रूटमेंट के लिए एक तो आसान तरीके सोशल मीडिया पे आप पोस्ट लगा देते हैं जॉब्स वगैरह हैं हमें कॉन्टैक्ट करें लोग इसके थ्रू भी कॉन्टैक्ट करते हैं लेकिन आजकल ऑनलाइन कंपनी भी बहुत है ठीक है उसके बारे में देख लेते हैं जॉब सीकर यूज ऑनलाइन रिज्यूमे एंड क्रिएट वेब पेज अबाउट देयर क्वालिफिकेशन आई ई रोजी डॉट कॉम कैरियर बिल्डर डॉट कॉम एक्ट जॉब सीकर है वो ऑनलाइन रिज्यूमे बनाती है क्रिएट करती है वेब पेज और डिफरेंट वेबसाइट पर जाकर अपनी सीवी वगैरह जमा करवाती है वेबसाइट हेल्प करती है उनको जॉब ढूंढने में जैसे कि रोजी डॉट कॉम है हमारे पास कैरियर बिल्डर डॉट कॉम है हमारे पास ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन जो जॉब ढूंढने में मददगार साबित होती है तो ऑनलाइन सोर्सेज भी हमारे पास हैं रिक्रूटमेंट की कि हम भर्ती कर सकते हैं तो आगे हमारे पास है अब हमें डिस्कस करना है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज के इंटरनल के तो हमने वन बाय वन ट्रांसफर प्रमोशन वगैरह के देखे थे अब हम हमको मिला के एक्सटर्नल सोर्सेज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे क्या होते हैं तो सबसे पहले देखते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं फ़ायदा क्या होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का इंटरनल सोर्स मे नॉट बी एबल टू सप्लाई सुटेबल पर्सन फ्राम विद इन एक्सटर्नल सोर्स डू गिव अट चॉइस ऑफ मैनेजमेंट अंदरूनी जो जरा होते हैं रिक्यूटमेंट के समय बात मे नॉट बी एबल टू सप्लाई सुटेबल पर्सन वो आपको काफिल शख्स पहुंचाने के uh, पहुँचाने के जरिए नहीं बन पाता Uh, आप इसलिए बस इंटरनल सोर्सेज से रिक्रूट कर रहे होते हैं कि आपका खर्चा बच जाएगा आपका टाइम बच जाएगा लेकिन इससे क्या होता है कि सम टाइम आपको काबिल शख्स नहीं मिलता जबकि एक्सटर्नल सोर्स जो है वो आपको वाइड चॉइस देती है लोग अप्लाई करते हैं आपके पास ऑप्शन होती हैं बहुत ज्यादा कि ये 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 लोग हमारे पास अप्लाई करें हम कित को चुनें तो आपको चॉइस के अंदर मैनेजमेंट के अंदर बहुत वाइड रेंज मिलती है एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रो तो ये एक एडवांटेज हो जाता है सेकंड द सिलेक्शन ऑफ फ्रॉम आउटसाइड सोर्स विल हैव द बेनिफिट ऑफ न्यू आइडिया अब जब सिलेक्शन करेंगे पर्सन की आउटसाइड द सोर्स जरिए जराए के थ्रू इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको न्यू आइडियाज़ मिलेंगे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले के पास कोई नया आइडिया नहीं होता क्योंकि वो वहीं पर स्टक होता है जब कोई बाहर से आता है तो वो पूरी दुनिया बाहर वाली देख के आ रहा होता है उसको पता होता है कि मैंने आपको नई चीज़ बतानी होगी कोई पुरानी चीज़ नहीं बतानी तो न्यू आइडियाज़ आपको मिल जाते हैं द पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन अदर कॉन्सटन विल एबल टू सजेस्ट न्यू थिंग एंड मैथड वही बात कि आपको न्यू चीज़ों के बारे में बता पाएगा नए मैथ्ड्स के बारे में बता पाएगा दिस विल कीप द दर्गनाइजेशन कम्पेटिटिव पोजिशन और इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन

जब भी कोई नया पर्सन हायर किया जाता है ठीक है कोई अच्छी पोजीशन पे जगह दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मदूद, मदूदा मौजूदा एम्प्लॉज़ होते हैं ना वो डीमोरलाइज हो जाते हैं ठीक है उनमें मोटिवेशन इंक्रेजमेंट बड़ी कम हो जाती है काम करने की सलाहियतें कम हो जाती है क्योंकि उनको लगता है यार ये जगह हमें मिलनी चाहिए थी बाहर का बंदा आके हमारा बॉस बन गया तो बाद ऐसा भी होता है कि वो जेलसी का फैक्टर एन का फैक्टर हो जाता है जिससे employees जो होता है डीमोरलाइज हो जाते हैं उनका काम करने का दिल नहीं करता ठीक है एक और डिसएडवान्टेज देखते हैं द ओल्ड स्टाफ में नॉट कॉपरेट विद द न्यू एम्प्लॉयज़ बिकॉज दे फील डट दे राइट हैज़ बिन स्नैच अवे फ्रॉम देम जो हमारा ओल्ड स्टाफ होता है करंट एम्प्लॉयज़ होता है वो तान नहीं कर रहे होते ठीक है कोऑपरेट नहीं करते न्यू एम्प्लॉज के साथ क्योंकि उनको लगता है यार ये हमारा हक छीन के आया हमें ये हायर पोजीशन मिलनी चाहिए थी लेकिन ये बाहर का न्यू एम्प्लॉज आ गया और उसने हमारी जगह ले ली बात अगर ऐसा होता है ठीक है तो जेलसी का फैक्टर है वहीं एनवी का फैक्टर है जिससे वो उनको लग रहा होता है कि यार हमें इसके साथ कोपरेट नहीं करना दिस प्रॉब्लम विल बी एक्यूट स्पेशली व्हेन पर्सन फ्रॉम हायर पोजीशन आर एक्यूट फॉर आउट फ्राम आउटसाइड ये प्रॉब्लम तब ज़्यादा बढ़ चढ़ के सामने आती है जब खासतौर पर एक्यूट ज्यादा बढ़ चढ़ के आती है बहुत ज़्यादा होती है स्पेशली वैन पर्सन फॉर हायर पोजीशन एक बड़ी पोजीशन के लिए बाहर से शख्स आ जाए करंट एम्प्लॉयज़ को लग रहा होता है कि हमें प्रमोट कर देंगे लेकिन बाहर से एक शख्स लेके आ गए तो तब ये प्रॉब्लम बहुत अराइज होती है कि वो कॉपरेट नहीं करते न्यू एम्प्लॉय के साथ तो ये एक बहुत अहम डिसएडवांटेज है हमारे पास ठीक है आगे चलते हैं डिसएडवांटेजेस और हमारे पास हैं द प्रोसेस ऑफ रिक्यूटिंग फ्राम आउटसाइड इज वेरी एक्सपेंसिव बाहर से भर्ती करना बड़ा महंगा होता है इससे हालात बड़े महंगे होते हैं इंटरव्यू करने होते हैं टेस्टिंग करनी होती है बड़ा ज्यादा काम होता है आजकल कोई भी जॉब आती है पहले एन का टेस्ट होता है नेशनल टेस्टिंग सर्विस का टेस्ट होता है फिर इंटरव्यूज़ को लग के जाते हैं इंटरव्यू वन इंटरव्यू टू इंटरव्यू थ्री फिर जाके की भर्ती होती है जॉब होती है तो बड़ा एक्सपेंसिव होता है बड़े खर्चे होते हैं इसके अंदर स्टार्ट इस विद इन द मीडिया एंड एंड देन, एं देन अरेंजिंग टेस्ट कंडक्टिंग इंटरव्यू बात के स्टार्ट होता है सबसे पहले आपको एक महंगी एडवर्टीजमेंट देनी पड़ती है मीडिया के अंदर अखबार के अंदर कहीं पर भी फिर आप उनका रिटर्न टेस्ट के लिए अरेंजमेंट करते हैं फिर आप कंडक्ट करते हैं इंटरव्यूज वगैरह ठीक है तो इसमें बहुत सारा खर्चा हो जाता है देर मे भी पॉसिबिलिटी डेट न्यू एंट्रेंड हैव नॉट बी ए बट टू जस्ट इन द न्यू एनवायरमेंट अब ये भी चांसेस होते हैं कि जो न्यू शख्स आ रहा है जॉब के लिए मे भी वो उस ऑर्गेनाइजेशन के माहौल में जस्ट ही ना कर पाए अंदरून वाला एडजस्ट कर जाता है आराम से नया वाला ना कर पाए जज ठीक है नए माहौल के अंदर मे भी उसको लग रहा होगा कि मैं एडजस्ट कर लूंगा लेकिन जब वे देखेगा मे भी जस्ट ना कर पाए तो ये भी एक इशू होता है जो पॉसिबल हो सकता है तो यहीं पे हमारा आज का लेक्चर सोर्सेज ऑफ रिक्यूपमेंट एक्सटर्नल सोर्सेज जो है या एक्सटर्नल इक्वमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो टॉपिक्स रिलेटेड आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़